डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, आज आपको बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ब्रिज रेक्टिफायर अपने व्याख्यान में बताने वाला हूँ। मैंने पूर्व में आपको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था, तो उस समय एक बात ध्यान में आई थी कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें मुख्य रूप से दो कमियां होती हैं, और वो जो कमियां होती हैं उनमें जो पहली कमी होती है उसमें पहला होता है मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर होने के कारण इसका आकार बड़ा होता है, और दूसरा इसका प्रतीप शिखर वोल्टता निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के दुगने के बराबर होता है। इसलिए इसकी जो उपयोगिता है वो थोड़ी कम होती है, ये उसकी मुख्य कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए एक अन्य पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का उपयोग करके और हम दूर कर सकते हैं, जिसे हम सेतु दृष्टिकारी या ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें चार पीएन डायोड होते हैं और वे एक समान होते हैं, उनको व्हीटस्टोन सेतु के समान परिपथ चित्र के अंदर, जैसा मैंने आगे परिपथ चित्र बना रखा है उसमें संयोजित किया हुआ है, उसके अनुरूप उनको जोड़ दिया जाता है। उसमें चार संधियां बनती हैं और उन संधियों पर ई व एफ संधि पर ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के स्वरों को जोड़ देते हैं, तथा जो बचे हुए दो संधि रह जाती हैं ए व सी, उनके मध्य लोड प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिसके सिरों के बीच स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। अब मैं आपको ये जो चित्र है परिपथ चित्र है, परिपथ चित्र में आपको दिखा देता हूँ। इधर ये जो वी आई है, ये वी आई ये प्राथमिक कुंडली में जो निविष्ट वोल्टता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ द्वितीय कुंडली, ये वाली द्वितीय कुंडली है, इसके अंदर वी एस जो वोल्टता है वो इसके अंदर मिलती है। यहाँ ये जो चार डी वन डी टू डी थ्री डी फोर ये चार पी एन एक समान डायोड हैं। ई और एफ जो बिंदु ये लिखे हुए हैं, ई और एफ, ये ई और एफ को ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी कुंडली है उससे जोड़ दिया जाता है, और बिंदु सी और ए को, और यहाँ ये जो आर एल है इस आर एल से जोड़ देते हैं, और इस आर एल के सिरों पर जो स्पंदनमान वोल्टता है आउटपुट है वो हमें इसके ऊपर प्राप्त हो जाता है। अब काम कैसे करता है, कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अब इसको हम आगे समझ सकते हैं। तो इस परिपथ चित्र को ध्यान में रख करके और हम जब समझते हैं तो उसको किस तरह से वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता वी आई अर्थात ई पी साइन ओमेगा टू निवेश किया जाता है, तो उसकी द्वितीय कुंडली के सिरों ई व एफ पर वी एस इक्वल टू एन पी एन ई पी साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित होती है, जहां एन द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात है। इस प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण ई व एफ संधि एकांतर रूप से अर्धावर्त काल टी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक विभव पर होती है। जैसा पहले हम करते आए हैं, देखते आए हैं, तो उसी तरह का जो ठीक जो प्रोसेस है वो इसके अंदर भी होता है। अब यह समझने की बात यह है कि जब ई का विभव धनात्मक तथा एफ का मान ऋणात्मक होता है, तो इस स्थिति में डी वन व डी थ्री डायोड पर अग्रदिशिक तथा डी टू व डी फोर पर पश्च दिशिक बायस होता है,
जिसमें केवल डी वन व डी थ्री में धारा चालन होता है और धारा ई ए बी सी परिपथ के अनुदिश प्रवाहित होती है, जैसे इसके अंदर ये, तो यहाँ ये जो धारा है ये धारा प्रवाहित होने का जो कौन सा है ई ए बी और सी एफ से धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि डी वन और जो डी थ्री है यही अगर बाय इसके अवस्था के अंदर होते हैं, तो धारा का प्रवाह की जो दिशा कौन सी होगी, ये इस तरह से यहाँ से और ये इस तरह से, ये वाली धारा की दिशा होती है। परंतु जैसा ही जो हाफ सर्किल होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ई विभव ई टर्मिनल है, ई टर्मिनल किस पे आ जाता है, नेगेटिव उस पे आ जाता है, और यह एफ टर्मिनल किस पे आ जाता है, पॉजिटिव उस पे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो डी टू है वो अग्रवाय इसके अवस्था के अंदर आ जाएगा, इधर ही नेगेटिव होने के कारण से डी फोर है वो कैसे अग्रवाय इसके अवस्था के अंदर आ जाता है। तो अब धारा प्रवाह के लिए कौन सा हो गया, यहाँ एफ ए बी सी ई के माध्यम से और धारा प्रवाहित अब होती है। अब धारा प्रवाह के लिए कौन सा, ये वाला जो मार्ग है, ये वाला मार्ग, इस मार्ग से और धारा प्रवाहित परिपथ के अंदर होती है। अर्थात आधे साइकिल के लिए यहाँ डी वन और डी थ्री के कारण से, और आधे साइकिल के लिए डी टू और डी फोर के कारण से, और जो आर एल होता है आर एल के सिरों पर जो विभवांतर है या स्पंदन धारा या वोल्टता है वो हमें ई डी सी के रूप में यहाँ पर ये इसके अंदर प्राप्त हो जाती है, ई डी सी यहाँ प्राप्त हो जाती है। इन दोनों स्थितियों के अंदर हम पाते हैं कि जब ये ई धनात्मक विभव पे होता है तो भी, और जब एफ धनात्मक विभव पे होता है तो भी, इसके अंदर जो धारा की दिशा है वो क्या रहती है, समान रहती है। तो नेक्स्ट इस तरह से अब यहाँ इससे जो निर्गत वोल्टता का जो तरंग रूप होगा, या ये कहें कि जो निविष्ट वोल्टता और निर्गत वोल्टता दोनों का जो तरंग रूप होगा वो इसके अंदर मैं आगे इस फिगर के अंदर दिखा सकता हूँ। ये वी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी आई रिप्रेजेंट्स इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी एस किसको रिप्रेजेंट करता है, या ये जो वी वन है, वी वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैन डी वन और डी थ्री से जो अग्रवाइज की अवस्था में होता है तो उस स्थिति के अंदर मिलने वाली लोड प्रतिरोध पर मिलने वाला विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी वी टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैन डी टू एंड डी फोर ये अगर बायस के अवस्था में होते हैं तो उनसे जो निर्गत वोल्टता होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात आर एल लोड प्रतिरोध आर एल पर जो वोल्टता है वो किस तरह से मिलती है, यहाँ जो नीचे वाले जो फिगर है इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह निविष्ट और निर्गत निर्गम वोल्टताओं का तरंग रूप चित्र हमें देखने को मिलता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि यदि डायोड का चालन अवस्था में प्रतिरोध RF तथा कुंडली का प्रतिरोध RS है तो लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित धारा का मान कितना हो गया, I1 इक्वल टू कितना हो गया, VS अपॉन RS प्लस 2RF प्लस RL। यहाँ RS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकेंडरी कोइल है उसके प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। RF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर बायस प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है डायोड के, और डायोड कितने हैं, दो डायोड हैं, इसलिए प्लस 2RF इसके अंदर हो गया। अर्थात इसको मैंने यहाँ इस इक्वेशन के अंदर व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 एंड टी बाई 2, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको जो धारा I1 है उसको EM अपॉन R प्लस RL साइन ओमेगा टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ जो EM अपॉन R प्लस RL है इसको IM के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ I2 का मान कितना है, I2 का मान 0 होगा क्योंकि उनसे कोई धारा प्रवाहित उनसे नहीं होती है। परंतु नेक्स्ट हाफ के लिए, नेक्स्ट हाफ व्हेन टी लाइज बिटवीन टी बाई 2 एंड टी, तो ऐसी स्थिति में I1 0 हो जाता है और I2 का मान कितना हो गया, माइनस वी एस अपॉन आर एस प्लस 2RF प्लस RL माइनस EM अपॉन R प्लस RL, और जो धारा का मान है यहाँ इस इक्वेशन की सहायता से दे दिया जाता है, जहाँ R का मान और IM का मान यहाँ इसके अंदर मैं इसमें लिख देता हूँ। ये समीकरण 1 और 2 का उपयोग कर, जैसा हम पहले करते आए हैं कि इस ब्रिज
रेक्टिफायर के लिए उर्मी का गुणांक का मान निकाल सकते हैं, दक्षता का मान निकाल सकते हैं, और इस तरह से ये जो रेक्टिफायर है उसके लिए हम दक्षता और उर्मी का गुणांक का मान निकाला जा सकता है। उर्मी का गुणांक तुलनात्मक रूप से इसके अंदर कम होगा। अब परंतु ये जो रेक्टिफायर काम में लेते हैं, इस रेक्टिफायर की कुछ कमियां हैं तो दूसरा उसे लाभ भी मिल जाते हैं इसके। अब इसकी कमी क्या है मुख्य रूप से, इस सेतु दृष्टिकारी की मुख्य कमी है कि डायोड में धारा चालन की स्थिति में दो डायोड श्रेणी क्रम में होते हैं, जिसके कारण डायोड प्रतिरोध पर विभव पतन अधिक हो जाता है। डायोड पर विभव पतन क्या होता है, अधिक हो जाता है, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तुलना में सेतु दृष्टिकारी से निर्गत वोल्टता कम प्राप्त होती है, निर्गत वोल्टता इसमें कम प्राप्त होती है जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके कंपेरिजन में, तथा इसकी दक्षता कम और वोल्टता नियमन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। इस कारण से सेतु दृष्टिकारी का उपयोग दृष्टिकारी प्रकार के वोल्टमीटर या एमीटर में करते हैं, अतः सेतु दृष्टिकारी को दिष्ट वोल्टमीटर या एमीटर के साथ संयोजित कर प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का मापन कर सकते हैं। इस दृष्टिकारी का मुख्य लाभ क्या है, इसमें इस दृष्टिकारी का मुख्य लाभ यह है कि इसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इस दृष्टिकारी के डायोड की प्रतीप शिखर वोल्टता PIV निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान EM के बराबर होती है, जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के डायोड की प्रतीप शिखर वोल्टता 2 EM होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।